पंजाब दी सियासत च हो रही उथल पुथल दे विच बेशक अज पंजाब कांग्रेस दा सब तो वड्डा चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह गुम है। भावें नवें बनाए जा रहे मुख्यमंत्री नूं लैके सारे व्यस्त ने बिजी ने, पर बहुत अजिहे वड्डे सियासतदान भी ने जिन्हां नूं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कारगुजारी ते भरोसा है अते उन्हां दा फिकर भी है। बहुत सारे लोगों नूं इह फिकर भी सताउण लग्या कि किते कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराजगी दे वहा च कांग्रेस पार्टी ना छड्ड देण, जदकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अजिही किसी गल का हाले तक कोई भी जिक्र नहीं किया। पर हुण राजस्थान दे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अज आस प्रगट की है कि सीनियर कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह अजिहा कोई कदम नहीं चुकणगे जिस नाल कांग्रेस पार्टी नूं नुकसान होवे। कैप्टन अमरिंदर सिंह बारे अशोक गहलोत ने एक वड्डा ट्वीट किया जिस विच उन्होंने अपने सारे बयान जाहर किए ने। उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब ने खुद कहा सी कि पार्टी ने उन्होंने 9.5 साल मुख्यमंत्री वजों कबूल किया। उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार काम करके पंजाब के लोगों की सेवा की है। हाईकमान को कई बार विधायकों से आम जनता तो प्राप्त फीडबैक के आधार पर पार्टी के हित में फैसला लेना पैंता। मैं निजी तौर पर यह भी मानता कि कांग्रेस प्रधान मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल कई नेतावान की नाराजगी दूर करने तो बाद ही मुख्यमंत्री की चोण करता, पर मुख्यमंत्री बदलते हुए वह गुस्से में आ जाते हैं, हाईकमान के फैसले जायज़ ठहरा शुरू कर देंगे ने। अजिहे पलों में तुहानू अपनी जमीर की गल सुननी चाहिए है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि फासीवादी ताकत कारण देश किस दिशा वल जा रहा है, यह साडे सारे देशवासियों चिंता का वड्डा विशा बनया हुआ। इसलिए अजिहे समय साडे सारे कांग्रसियों की जिम्मेवारी देश के हित वल वध जांदी है। सानू अपने आप तो उपर उठ के पार्टी अते देश के हित विच सोचना पवेगा। कैप्टन साहब पार्टी के सत्कारत नेता ने, मैनू उम्मीद है कि वह पार्टी के हितों अगे रखते हुए काम करते रहेंगे। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी उधर कहा कि हाईकमान वालों मैनू वार वार जलील किया गया, जिस तो बाद उन्होंने यह कदम चुकया। हुण यह सियासत का तूफान कित्थे जाके रुकेगा, यह तो आने वाला समा ही दसेगा।